तो गाइस आज है मेरे पास एक टीपी लिंक की तरफ से आने वाला एक बेहतरीन सा कैमरा है, और इस ब्रांड का जो कैमरा है मैंने फर्स्ट टाइम इसको यूज करने के लिए मंगवाया, और काफ़ी रिसर्च करने के बाद मैंने अपने NVR के लिए एक अच्छा सा कैमरा मैं ढूंढ रहा था, IP कैमरा। तो ये है गाइस, एक मतलब 5000 के आसपास में आपको मिल जाता है, जो मैंने सेल में इसको 4000 में वैसे लिया, तो अभी कितना प्राइस है मुझे नहीं पता, अभी वीडियो बन रहा है। तो ये देख सकते हैं ये फुल कलर कैमरा है, ठीक है, और ये जो 4 मेगापिक्सल के साथ आने वाला कैमरा है ये काफ़ी अच्छा क्वालिटी भी आपको दे देगा। इसमें और भी वर्जन आता है कैमरा का, जिसका लेंस साइज अलग मिलेगा आपको, जिसका आपको मेगापिक्सल अलग मिलेगा, तो इसका क्वालिटी जो है काफ़ी अच्छा होने वाला है, और ये 4mm लेंस के साथ आने वाला है। तो और बाकी जो 2 कैमरा और लेंस के साथ आता है, तो वो आता है 2.8mm लेंस के साथ आता है, और एक आता है 6mm लेंस के साथ, और ये दोनों 3 मेगापिक्सल में भी आता है और ये 4 मेगापिक्सल में भी आता है। तो आप वेबसाइट पे देख सकते हैं या फ्लिपकार्ट पे, अमेजन पे, कहीं से भी आप इसको परचेज कर सकते हैं। तो मैंने जो इसको परचेज किया है, मैंने अपने NVR के लिए परचेज किया है। मैं काफ़ी दिनों से मैं सर्च कर रहा था कि मुझे एक अच्छा ऐसा IP कैमरा चाहिए जिसमें सारे फीचर्स मुझे मिल जाए, जो कि बड़े बड़े ब्रांड्स ऑफर करते हैं जैसे हिकविजन, CP+ वगैरह, तो वो सारा फीचर्स इसमें सारा मिल जाएगा। तो मैं बताता हूँ एक एक करके सारा फीचर्स आपको, तो चलिए इसके बॉक्स कंटेंट्स भी देखेंगे, तो वीडियो में बने रहिए आप। तो गाइज ये है हमारा कैमरा, और ये रैपर में जिस तरह से लिपटा हुआ काफ़ी अच्छा लग रहा है, और ये बॉक्स फ्लिपकार्ट के बॉक्स पैकेज में आया हुआ था, तो काफ़ी शानदार पैकेजिंग, और 2 ईयर्स का वारंटी लिखा हुआ है, देख सकते हैं। ये H.265+ कोडेक को भी सपोर्ट करता है, और यहाँ देख सकते हैं लिखा हुआ 4mm लेंस, VG, मॉडल नंबर है C240, और फुल कलर कैमरा मिल जाएगा, नेटवर्क कैमरा ये, और यहाँ पे ब्रांडिंग है, और यहाँ पे मैं एक एक करके फीचर्स आपको बता देता हूँ। तो सबसे पहले इसमें फीचर्स जो मिल जाएगा, ये जो है ह्यूमन एंड व्हीकल क्लासिफिकेशन, ठीक है, और ये जो है स्मार्ट डिटेक्शन, बुल्टिन माइक्रोफोन, IK10 वंडर प्रूफ, और ये जो है IP67 वाटर प्रूफ, तो ये वाटर प्रूफ भी है, इसको आप थोड़ा बहुत पानी भी इसमें ये झेल लेगा। और इधर क्या लिखा हुआ है, इधर ये देख सकते हैं कुछ इन्फॉर्मेशन लिखा हुआ है, तो इसमें बहुत सारा फीचर्स आपको मिल जाता है गाइस। तो मैं चलिए इसको बॉक्स ओपनिंग करता हूँ, और एक एक करके मैं सारा चीज़ आपको कंटेंट्स इसका दिखाता हूँ। तो ये जो है रैपर मैं इसके ऊपर से हटा देता हूँ, तो ये देख सकते हैं सबसे पहले हमें जो मिलता है ये क्विक स्टार्ट गाइड मिलता है, और ये क्या मिलता है हमें, ये कुछ पेपर्स मिलते हैं, और ये सिंबल दिया हुआ है कैसे कैसे इसको जो है इंस्टॉल करना है, और ये हमारा फोम प्रोटेक्शन के लिए, कैमरा जो बॉक्स पैकेजिंग में आता है उसको प्रोटेक्शन के लिए, डिलीवरी के टाइम में कुछ प्रॉब्लम ना हो शिपिंग के टाइम। और ये देखिए हमारा कैमरा जो है, सबसे पहले तो मैं वायर चेक करता हूँ, तो वायर का क्वालिटी अच्छा है, क्वालिटी से तो कोई कंप्रोमाइज़ नहीं किया गया, और रैपर के अंदर कैमरा है। तो ये रहा कैमरा गाइस, और इसका वज़न भी ठीक ठाक है, और काफ़ी स्टर्डी है ये। और ये एक चीज़ मैं बता दूँ, इसका जो देख सकते हैं यहाँ पे आपका जो है RJ45 वाला केबल लग जाएगा, ठीक है, और ये देख सकते हैं पीछे इसका कुछ इन्फॉर्मेशन ये है, और मैं इसका प्रोटेक्शन हटा देता हूँ, लेंस के ऊपर जो प्रोटेक्शन है। तो ये देख सकते हैं गाइस, यहाँ पे सेंसर है, और ये देख सकते हैं यहाँ पे इसका लेंस है कैमरा का, तो काफ़ी अच्छा है ये। और मैं बताना चाहता हूँ आपको कि इस रेंज में जो है आपको बाकी जो भी ब्रांड्स ऑफर करता है, तो जितना ये फीचर्स आपको मिल रहा है इसमें उतना कोई और ब्रांड आपको नहीं देगा, और ये ब्रांड जो है काफ़ी एकदम ट्रस्टेड ब्रांड है, TP-Link पे हम भरोसा कर सकते हैं, क्योंकि ये वर्ल्ड वाइड चलता है, और जितने भी रोटर्स आते हैं मैक्सिमम रोटर्स TP-Link का ही होता है। तो काफ़ी अच्छा कैमरा है, और मैं इसको सेटअप करूँगा तो नेक्स्ट वीडियो बनाऊँगा, ठीक है, अभी मैं NVR के साथ आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूँगा कैसा इसका क्वालिटी मिलता है।